कमलेश तिवारी हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कमलेश तिवारी को मारने से पहले हमलावरों ने घबराहट दूर करने वाली दवाएं खाई थी। ये दवाएं क्यों खाई थी ये जानने के लिए कमलेश तिवारी की हत्या के बाद शव की हालत को देखना होगा, जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से कमलेश तिवारी के शरीर पर चाकू से 15 वार किए गए थे। 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। साथ ही हमलावरों ने कमलेश को गोली भी मारी थी। पुलिस का दावा है कि जिन लोगों को कमलेश तिवारी की हत्या के आरोप में सूरत से अरेस्ट किया गया है, उन्होंने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस कहती है कि अशफाक अकेले इस काम को अंजाम देने में बेहद घबरा रहा था, जिस वजह से दूसरे हमलावर को गले पर वार करने की जिम्मेदारी मिली। वहीं अशफाक को कमलेश तिवारी के हाथ पैर सीने पर चाकू से वार करने का काम सौंपा गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कमलेश तिवारी से मुलाकात तय होने के बाद होटल से निकलते वक्त घबराहट मिटाने वाली दवाएं ली। पुलिस का दावा है कि उन्हें आरोपियों के कमरे से ऐसी दवाइयां बरामद हुई हैं। लखनऊ के खालसा इन होटल जिसमें दोनों हमलावर रुके थे, वहीं से बरामद सामान में गला काटने में इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू और कुछ दवाइयां मिली हैं। इस बीच यूपी पुलिस ने अशफाक और मोइनुद्दीन की जानकारी देने वालों को 2.5 लाख का इनाम दिए जाने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को लखनऊ के लालबाग के होटल खालसाइन से ही इनपुट मिला था। बताया जा रहा है कि ये दोनों वही आरोपी हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इन दोनों आरोपियों ने लखनऊ के होटल में अपने आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड दिया था, जिसमें एक का नाम शेख अशफाक हुसैन और दूसरे का नाम पठान मोइनुद्दीन अहमद है। इन्हीं दोनों के बारे में दावा किया जा रहा है कि अशफाक और मोइनुद्दीन शाहजहांपुर में छिपे हुए हैं। एसटीएफ इन आरोपियों की कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों आरोपी गाड़ी किराए पर लेकर आए थे। इन लोगों ने शाहजहांपुर रोडवेज बस अड्डे पर गाड़ी को छोड़ा और वहां से पैदल टहलते हुए रेलवे स्टेशन चले गए।